हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैंटम गुरुजी चैनल पे। तो 11th एडमिशन का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, तो आज हम देखेंगे कि इसको फॉर्म को आपको किस तरीके से फिल करना है और फॉर्म भरने वक्त में कोई भी गलती आप लोगों को नहीं करना है। तो मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से अपने फॉर्म को फिल करना है, और ये फॉर्म आप अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से घर बैठ के आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, कहीं नेट कैफे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल को खोलना है, यहाँ पर ना आपको ये साइट खोलना है eleventhadmission.org.in। जैसे आप इसको खोलिएगा आपको देखो इस तरीके का यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर क्या करो, आप फर्स्ट वाले को क्लिक कर दो, इस तरीके से आ जाएगा आपके साइट पे। ठीक है, अब यहाँ पे होगा मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती, ये पांच जोन जो है यहाँ पर आप मतलब जिस भी रीजन में रहेंगे आप उसको उस रीजन से आपको अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे आपको नागपुर डिवीजन का बताता हूँ। नागपुर पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसको पहले आप कट कर दीजिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके दिखाएगा, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले तो आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका स्कूल का जो है वो NMC एरिया में आता है कि नहीं आता है। तो ठीक है, तो अगर आता होगा तो यहाँ पे विद इन NMC एरिया या फिर यहाँ पर आउटसाइड NMC एरिया। फिर फ्रेशर है, जो अभी 10th में एग्जाम दिए सारे के सारे फ्रेशर रहेंगे। फिर आपको यहाँ पे देखो एक दिखेगा SSC, CBSE, ICSE, यहाँ पर आप जिस बोर्ड में थे उस बोर्ड में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो समझ लो आप SSC में थे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, तो आप SSC में सिलेक्ट करिएगा। सीट नंबर जो भी रहेगा आप उसको डाल दीजिए। जैसे आप सीट नंबर डालोगे यहाँ पे आपके सारे डेटा मिल, सारे डेटा जो रहेंगे वो खुद अपने आप आ जाएंगे। जैसे देखो एक बच्चे का है, मैं डाल के देखता हूँ तो आपको पता चल जाएगा J0। ठीक है, जैसे इसको डालिएगा, करेक्ट डालने का, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, देखो J। यहाँ पर आप सीट नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, J05102। यहाँ पर जैसे डालिएगा आपको यहाँ पे सारा SSC डेटा जो रहेगा उससे अकॉर्डिंग आ जाएगा। देखो यहाँ पे खुद डालने से ना आपका जो नेम ऑफ द एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट मदर्स नेम, ये सब आ जाएगा। अगर करेक्ट होगा तो आप यस करेक्ट कर दीजिए, ये सारा कॉलम जो है अपने आप आपका फिल हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर आपके मैसेजेस जाएंगे। ठीक है, ईमेल आईडी ये आपका कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास होगा तो फिल कर दीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में यहाँ पर कुछ भी दिखाएगा, मतलब ये इसलिए रहता है कि अगर आपका फॉर्म समझ लो कभी गलती से ओपन नहीं हो रहा है तो आपको अपना फॉर्म को किस तरीके से ओपन करना है, तो वहाँ पर ना आपको फिर ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ पर कोई भी एक है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हु इज़ योर फेवरेट टीचर पर क्लिक करके यहाँ पर अपना वो टीचर का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। पासवर्ड तो आपको जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपना कोई पासवर्ड आप बना सकते हो, फिर यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड कर दीजिएगा और यहाँ पर एंटर कैप्चा कोड, ये जो दिख रहा है आपको इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है QBRP3, इसको करके और यहाँ पर आप रजिस्टर कर दीजिएगा, आपका फॉर्म जो रहेगा वो फिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो सेकेंड स्टेप जो है वहाँ पर आपको मतलब स्क्रीन पे एक नंबर दिख जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर आप फॉर्म को फिल कर देने के बाद यहाँ पर आपका इस तरीके से मिल जाएगा लॉगिन आईडी, इस तरीके से मिलेगा आपको NG22 ये मिलेगा और यहाँ पर आपका नाम भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आप प्रोसीड टू लॉगिन कर दीजिएगा। ठीक है, अभी जो लॉगिन यहाँ पे दिखा रहा था उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पर आप उसको फिल कर दीजिए, फिर आपको जो सेकेंड स्टेप जो है वहाँ से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या था आपका NG22301839, ये हो गया आपका। अब इसके बाद पासवर्ड जो आपने डाला था वो डाल दीजिए, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो वाला डालना है। ये हो गया, अब इसका तो आप लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से दिखा देगा आपका। अब यहाँ पे देखो पूरा डैशबोर्ड दिखा रहा है कि आपको क्या क्या फिल करना है, और यहाँ पर आपको दिखाएगा प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ से आपका चले जाएगा प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे, इसको ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर नाम दिखा देगा आपका, जो भी नेम ऑफ द स्कूल है, ये सब ये सारी चीज़ें दिखा देगा। ठीक है, तो ये इतना डिटेल है। अब इसके बाद जो सेकंड फॉर्म फिलिंग का है, किस तरीके से फिल करते हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तब तक आप इतना करके आपका जो भी है नंबर जो है वो सब ले लीजिए, फिर आप वहाँ से लॉगिन करके इस फॉर्म को हम किस तरीके से फिल करेंगे इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।